बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर सांप निकलने के बाद से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल पर सांप निकलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कुछ ही देर में इस सांप को पकड़कर दूर छोड़ दिया गया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप मुख्य सचिव कार्यालय के पास से मिला, जिसे पकड़कर सचिवालय से दूर छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के पास से ये सांप निकला, ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे ही सांप होने की सूचना मिली, अफरा तफरी मच गई। फौरन इस सांप को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू की गई, और कुछ देर बाद मशक्कत करने के बाद इस सांप को पकड़कर सचिवालय से दूर छोड़ दिया गया। ये मुख्य सचिव के कार्यालय के पास से ये सांप निकला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फौरन सांप पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद इस सांप को पकड़कर सचिवालय से दूर छोड़ दिया गया। हरियाणा सचिवालय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सांप मिलने की खबर के बाद से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद शुरू की गई, और थोड़ी देर बाद इस सांप को पकड़कर सचिवालय से दूर छोड़ दिया गया। सचिवालय में सांप होने की खबर के बाद से जमकर अफरा तफरी भी देखने को मिली है। चंडीगढ़ से तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय के पास सांप निकला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद हुई, और कुछ ही देर बाद इस सांप को पकड़कर सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। दरअसल बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में हरियाणा सचिवालय में सांप निकलने की खबर के बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए, और काफ़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ लिया गया, और उसके बाद सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय के पास बताया जा रहा है कि सांप निकला, फौरन हड़कंप मचा। सांप होने की सूचना मिलने के बाद फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सांप को मुख्य सचिव कार्यालय के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद इस सांप को सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। हालांकि जैसे ही सचिवालय में सांप होने की खबर मिली, कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए, और उसके बाद सांप को पकड़ने की कवायद शुरू की गई, और थोड़ी देर बाद मशक्कत करने के साथ ही इस सांप को पकड़ लिया गया, और इस सांप को पकड़कर सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि सचिवालय की चौथी मंजिल पर सांप होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई, और इस सांप को पकड़ने के बाद फिर सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में सांप की खबर के बाद से हड़कंप मच गया, कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद इस सांप को पकड़ लिया गया। और सांप को पकड़ने के बाद सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही सांप होने की सूचना मिली कि सचिवालय के अंदर सांप है, उसके बाद कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद शुरू की गई थी, और काफ़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ने के बाद सचिवालय से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। बताया यही जा रहा है कि बारिश के मौसम में की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं आम होती है। लेकिन हरियाणा सचिवालय में सांप होने की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद शुरू हो गई। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल घेरे में तस्वीरें। सांप को पकड़कर इस सांप को सचिवालय से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही सांप होने की सूचना मिली थी, उसके बाद हड़कंप मच गया। सचिवालय की चौथी मंजिल बताई जा रही है, जहाँ पर सांप की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ ही देर में इस सांप को पकड़ लिया गया, और उसके बाद इसे सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सचिवालय की चौथी मंजिल पर सांप पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस सांप को पकड़ने की कवायद शुरू हुई थी, और काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद इस सांप को पकड़ लिया गया, और उसके बाद सचिवालय से दूर ले जाकर इस सांप को छोड़ दिया गया।
हालांकि जैसे ही सचिवालय में सांप होने की खबर मिली, कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सांप को पकड़ते इन लोगों की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद, मशक्कत के बाद, इस सांप को काबू में कर लिया गया और इसे सचिवालय से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया।